हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है FEA के ऊपर, और FEA में ये है वन डायमेंशनल एलिमेंट का टॉपिक एंड विद द टाइप थ्री। टाइप थ्री ये है बोथ एंड फिक्स विद द थर्मल एक्सपांशन। अगर आप ये वीडियो में नए हैं ये लेक्चर के लिए, तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके जो पहले की वीडियो देख लीजिए, और बेसिकली ये जो लेक्चर है टाइप टू वाला विद द बोथ एंड फिक्स्ड वाला वीडियो वो देख लीजिए। सब कुछ सेम है एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है, थर्मल एक्सपांशन हो रहा है। तो आपको ये लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है इसके लिए। सो देखिए, ये एग्जाम में आया है मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2011 में फॉर 10 मार्क्स। नाउ सब में क्या दिया है, स्टेप बार दिया है, बोथ एंड फिक्स है। यहाँ पे स्टील है, एलिमेंट वन स्टील है, एलिमेंट टू ब्रास है, एलिमेंट थ्री एल्यूमिनियम है। यहाँ पे एलिमेंट नंबर वन नहीं दिया है। ओके, सब कुछ दिया, वन दिया है, टू दिया है, थ्री दिया है, L1 दिया है, L2 दिया है, L3 दिया है, सिमिलरली प्रीवियस केस की तरह। तो आपको एज इट इज सॉल्व करते जाना है। आपको सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे थर्मल एक्सपांशन है। ये कभी सोचना है जब आप फॉर्म करोगे GME, वो टाइम पे सोचना है आपको कि मुझे यहाँ पे थर्मल एक्सपांशन दिया हुआ है। अदरवाइज आपको टोटली सॉल्व करना है एज पर द टाइप टू के हिसाब से। सो देखिए, यहाँ पे L1 दिया है MM में, A1 भी दिया है MM स्क्वायर में, E1 दिया है 200 GPA। तो एज वी नो मैं क्या करूँगा उसको, 1 GPA इज इक्वल टू 10^3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा। अल्फा दिया है, क्या है अल्फा, टेम्परेचर कोफिशियंट हो गया थर्मल एक्सपांशन का, 12 × 10^-6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब अल्फा टू अल्फा थ्री तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट का मुझे थर्मल एक्सपांशन दिया हुआ है। नाउ सबसे पहला स्टेप है मेरा डिस्क्राइब द मॉडल। मॉडल को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, उसको तोड़ना है, उस पर ऑपरेशन करने जा रहा हूँ मैं। तो ये मेरा फिजिकल मॉडल है, ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको द FEA मॉडल में विद द हेल्प ऑफ टेकिंग थ्री लीनियर एलिमेंट। ये 2D डायमेंशन के सामने, तो यहाँ पे आते हैं लोकल पॉइंट आए और जे, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 एंड 2 में इन केस ऑफ टोपोलॉजी। देखिए यहाँ पे ये लोकल नोड, सॉरी ग्लोबल नोड 1, ग्लोबल नोड 2, ग्लोबल नोड 3 एंड ग्लोबल नोड 4। ये रहा इसका डिस्क्राइब मॉडल, देखिए दैट इज FEA मॉडल। तो ये होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो ये है मेरा डिस्क्राइब मॉडल। स्टील है, कितना आएगा एलिमेंट 1, इट विल बी द इक्विवेलेंट लाइक अ स्प्रिंग। ब्रास, इट विल लुक लाइक अ इक्विवेलेंट लाइक स्प्रिंग। एल्यूमिनियम के लिए भी इट विल लुक इक्विवेलेंट लाइक अ स्प्रिंग। तो मैं क्या बनाऊंगा, इसको इक्विवेलेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो उसके पहले मुझे लगेगा इक्विवेलेंट स्टिफनेस, क्या लगेगा मुझे, इक्विवेलेंट स्टिफनेस लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या आएंगे, ये नोड पे, नोड वन पे आएगा U1, F1 और FT1। ये नया आ गया FT1। FT1 मतलब फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर और फोर्स ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। तो FT1 थर्मल वन। सिमिलरली टू पे U2, F2 और FT2, थ्री पे U3, F3 और FT3, फोर पे U4, F4 और FT4। एलिमेंट मैट स्टिफनेस क्या होगा इसका, ये क्या है 12 एलिमेंट, तो क्या होगा A1 E1 by L1, क्या होगा A1 E1 by L1 फॉर द K1 के लिए, K2 के लिए A2 E2 by L2, K3 के लिए होगा क्या होगा A3 E3 by L3। आई नो द वैल्यू ऑफ A1, A1 में पुट कर रहा हूँ इसमें mm का स्क्वायर में, E पुट कर रहा हूँ मैं न्यूटन पर mm का स्क्वायर में, और मैं L पुट कर रहा हूँ किसमें, mm में। ये mm का स्क्वायर, ये mm का स्क्वायर कट कट हो गया, क्या बचा न्यूटन पर mm। तो यूनिट क्या आएगा, K का न्यूटन पर mm, ये हो गया K1। सिमिलर K2 फाइंड करूंगा, सिमिलरली K3 फाइंड करो, कितना आया वैल्यू मेरा K1 का 2.1 × 10^6 न्यूटन पर mm, K2 आया मेरा 0.625 × 10^6 न्यूटन पर mm, K3 आया मेरा 0.375 × 10^6 न्यूटन पर mm। तो मुझे क्या दिख रहा है कॉमन इसमें, 10^6 10^6 क्या है, कॉमन है। तो मैं यूज़ करूँगा जब मैं एलिमेंटल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाऊंगा, वो केस में इसको यूज़ करूंगा मैं एज अ कॉमन एलिमेंट की तरह, और उसको मैं बाहर रखूंगा। देखिए 10^6 10^6 मैंने बाहर रखा है। मुझे ये टेबल बनाने से पहले मुझे लगेगा कनेक्टिविटी टेबल। तो क्या होगा कनेक्टिविटी टेबल, देखिए ये रहा कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। नोड नंबर कितने हैं, 2,
ओके लोकल नोड आई जे के फॉर्म में कर रहा हूँ करके मैं, 1 एंड 2 कितना आएगा एलिमेंट 1 पे 1 2, एलिमेंट 2 पे आएगा 2 3, एलिमेंट 3 पे आएगा 3 एंड 4। ओके तो ये बन गया 1 2 2 3 एंड 3 4, ये बन गया मेरा टोपोलॉजी, ऑल्सो कॉल्ड द टोपोलॉजी, कनेक्टिविटी टेबल का दूसरा नाम है टोपोलॉजी। नाउ स्टेप नंबर 4 क्या है, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स इक्वेशन बनाना है यहाँ पे। नाउ तो के आई जे ऑफ 1 मतलब स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर लीनियर एलिमेंट 2D, लीनियर एलिमेंट जो है 2 नोड वाला, ये के आई जे क्यों लिखता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ द 2 लीनियर, क्या ये लीनियर एलिमेंट ऑफ 2 नोड्स। ओके आई जे के फॉर्म में लिखता हूँ, ये जो है नोड नंबरिंग के बारे में जो भी है नोड नंबर्स, ये आपको मैं आगे जैसे मैं बनाऊंगा वीडियो समझेगा आपको। तो ये होगा से एलिमेंट 1 के लिए क्या होगा, 10^6 बार यहाँ पे हो जाएगा जो था 1 1, के करके वैल्यू वो आएगा यहाँ पे 2.1 2.1 2.1 2.1। अगर जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, ये होता है इज इक्वल टू के माइनस माइनस, मैं क्या करता हूँ के को बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर डालता हूँ K1111। और यहाँ पे मैंने क्या किया है 2.1 2.1 × 10^6 है, तो मैंने बस 10^6 को बाहर रखा है और 2.1 को अंदर डाला है। सिमिलरली इसके लिए 10^6 को बाहर रखा है और 0.625 को अंदर डाला है। सिमिलरली K3 के लिए 0.375 को अंदर डाला है, 10^6 को बाहर रखा है। तो देखिए यहाँ पे इसको नंबरिंग करना है, अभी मैं इसको कनेक्टिव टेबल क्यों बनाऊँ, बिकॉज ऑफ इसके लिए मैंने कनेक्टिविटी टेबल बनाया है। तो देखिए एलिमेंट 1 पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, एलिमेंट 2 के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, एलिमेंट 3 के लिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ओके समझ गए आपको ये। नाउ मूव टू द स्टेप नंबर 5, दैट इज ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये बनेगा मेरा कितने बाय कितने का, बनता है ये 4 बाय 4। समझता कैसे ये टोपोलॉजी का एंड नंबर देखना, उसमें समझेगा आपको ये कितना है 4 बाय 4। तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स बनेगा 4 बाय 4 का। ये मैं चलो ऑब्वियस बता दूँ आपको मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये कितना 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले आएगा 1 2 1 2, ये देखिए 1 2 1 2। देखिए यहाँ से भी चेक करना है, ये वन मैच हुआ, ये 2 और ये 1 मैच हुआ, ये 2 और ये 2 मैच हुआ, ये 1 और ये 2 मैच हुआ। ओके तो देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2, ओके 3 4, ओके आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आएगा 2.1 माइनस 2.1, यहाँ पे आएगा -2.1, यहाँ पे आएगा +2.1 आया, देन 2 3 2 3, तो ये आएगा यहाँ पे 2 3, देखिए यहाँ से 2 3 और यहाँ से 2 3 मैच करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कितना वैल्यू है यो +0.625 - 0.625 - 0.625 + 0.625, देन 3 4 3 4, देखिए यहाँ पे 3 4 3 4 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे तो ये होगा +0.375 - 0.375 - 0.375 और यहाँ पे 0.375 प्लस, क्या होगा ये दोनों का एडिशन होगा, इसका एडिशन होगा। ओके कितना आता है देखिए 2.1 प्लस 0.625, ये वैल्यू बन के आएगा आपको, यहाँ पे लिखा है मैंने कितना है 2.725, ये आएगा दोनों ऐड करके 1। ओके अभी देखिए बन गया डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, और बाकी जगह पे 0 0 0 0 0 0। हमेशा याद करना कि डायगोनल क्या होगा, प्लस होगा, और ये क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे बाजू वाले। देखिए 2.1 प्लस प्लस 272 प्लस 1 प्लस 0.375 और ए साइड -2.1 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी होगा 0.625 यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी होगा। ओके ये माइनस साइन है, ओके ये -0.375 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी होगा, ये डायगोनल के यहाँ पे क्या होंगे, मिरर इमेज। ये बहुत ही अच्छा तरीका है चेक करना। ओके ये है इसकी प्रॉपर्टी, एग्जाम में आया है कि व्हाट डू मीन बाय द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ओके तो ये इसका तरीका है जानने का। ओके अभी देखो अगेन मैंने क्या मिस किया, यहाँ पे 10^6 बाहर लिखना मिस किया, बच्चे हमेशा मिस करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे मिस कर दिया इस बार। तो हमेशा याद किए कि जो बाहर क्या है लिखना है आपको 10^6। नाउ मूव टू स्टेप नंबर 6, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स।
के जी यू जी और इक्वल टू एफ। यहां तक तो सेम था। अभी यहां पे ये देखो ऐड लिखा है मैंने, बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपांशन, मुझे अल्फा दिया है करके यहां पे आ गया है थर्मल एक्सपांशन। तो ये यू वन यू टू यू थ्री यू फोर इज इक्वल टू एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर प्लस, ये एडिशन में लिख दिया यहाँ पे एफ टी वन एफ टी टू एफ टी थ्री और एफ टी फोर। नाउ इसका कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा, देखिए इसलिए मैंने इसको रेड में लिखा है। नोट, थर्मल फोर्स कैलकुलेशन, एज वी नो क्या होता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय ई। ओके, हुक्स लॉ के हिसाब से तो सिग्मा इज रूल क्या हो जाएगा, ई इंटू ई स्मॉल ई स्ट्रेन, ई मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट। एज वी नो सिग्मा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या होगा फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया फोर्स ऑफ थर्मल फोर्स सिग्मा टी ऑफ ई ए ऑफ ई। आपको क्या करना है यहाँ पे, सिग्मा टी का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, क्या होगा ये सिग्मा टी का वैल्यू ई ऑफ ई ई टी ऑफ ई ऑफ ई इंटू ए ऑफ ई, तो ये हो गया वैल्यू। तो आपको बन गया इक्वेशन क्या, देखिए आपका इक्वेशन बन गया यहाँ पे, एंड में आपको इक्वेशन बन गया आएगा एफ टी इक्वल टू अल्फा। ये देखिए जो स्ट्रेन होता है ना, ये जो वाला स्ट्रेन ई टी, ये होता है अल्फा डेल्टा टी, क्या होता है वो अल्फा डेल्टा टी। ओके, दिख रहा है क्या आपको, देखिए यहाँ पे तो स्ट्रेन जो होता है ना वो होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये डे कितना है, यूनिट क्या है इसका, पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितना है डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो क्या हो गया पर डिग्री से कट हो गया, क्या बचा नो यूनिट। तो ये रहा स्ट्रेन का फॉर्मूला फॉर द थर्मल एक्सपांशन के लिए, क्या होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसलिए ई का लिखा है यहाँ पे अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हो गया थर्मल फोर्स का फॉर्मूला फॉर एलिमेंटल के लिए, किसके लिए, फॉर द एलिमेंट के लिए। ओके, समझ गया आपको यहाँ पे। नाउ देखिए कितने एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट है यहाँ पे, इसको मैंने ओपन किया, एक एलिमेंट वन एलिमेंट टू एलिमेंट थ्री, यहाँ पे क्या होगा थर्मल फोर्स एक्सपांशन, क्या होता है कंप्रेशन नहीं करता है, थर्मल फोर्स क्या करता है हमेशा एक्सपांड करता है, एक्सपांशन होता है यहाँ पे, कंप्रेशन नहीं होता है। ओके, तो देखिए हमेशा क्या हो रहा है एलिमेंट में एक्सपांशन, एलिमेंट टू में एक्सपांशन, एलिमेंट थ्री में एक्सपांशन, क्या हो रहा है एलिमेंट वन में एक्सपांशन हो रहा है, एलिमेंट टू में एक्सपांशन हो रहा है, और एलिमेंट थ्री में क्या हो रहा है एक्सपांशन हो रहा है, राइट है। तो देखिए क्या होगा एलिमेंट वन में एफ टी वन ऑफ वन एफ टी वन ऑफ वन, ओके एफ टी टू ऑफ वन, ओके बोलने के तो आप, ओके यहाँ पे लोड नंबर वन लोड नंबर टू लोकल है ये, टू में क्या होगा क्या आएगा यहाँ पे एफ टी ऑफ टू एफ टी ऑफ टू, एफ थ्री में आएगा एफ थ्री ऑफ थ्री एफ थ्री ऑफ थ्री। ओके नाउ, तो सबसे पहले मुझे आपको कैलकुलेट करना है एफ टी ऑफ वन एफ टी ऑफ टू एफ टी ऑफ थ्री, मतलब एलिमेंट के अंदर थर्मल फोर्स कितना है। फॉर्मूला है मेरे पास अल्फा डेल्टा डी ई इंटू ए, तो वहाँ पे सबके आगे लगा दीजिए वन वन वन, और जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो होता है कॉमन होता है, तो यहाँ पे शायद 60 डिग्री, कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है टेम्परेचर राइज लिखा रहता है, टेम्परेचर राइज इन एलिमेंट। तो ये अल्फा मुझे पता है अल्फा वन, तो 12 × 10^6, ओके देखिए अल्फा वन दिया है मुझे 12 × 10^6 इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर राइज 10, ओके नहीं दिया यहाँ पे लिख दीजिए 6 डिग्री है टेम्परेचर राइज। ई वन पता है ये रहा ई वन 210 GPa, तो 210 × 10^3 MPa हो जाएगा वो, ओके इंटू एरिया कितना दिया है 1000 mm का स्क्वायर, तो आपको आंसर आएगा कितना, इसका आंसर आएगा न्यूटन में, आपको न्यूटन में करना है न्यूटन में कीजिए या फिर उसको किलो न्यूटन में कीजिए आपके ऊपर, यहाँ पे से जो आंसर आएगा यहाँ पे से वो आएगा न्यूटन में, ओके बिकॉज मैंने सब कुछ लिखा है न्यूटन पर एमएम में लिखा है। ओके सिमिलर एफ टू के लिए आएगा अल्फा टू डेल्टा टी ई टू इंटू ए टू, तो मुझे आएगा आंसर 60 × 10^3, तो ये हो गया न्यूटन में। एफ थ्री आएगा अल्फा थ्री डेल्टा थ्री ई थ्री ए थ्री, तो आएगा मुझे वैल्यू 32.4 किलो न्यूटन। नाउ मुझे फाइंड करना है यहाँ पे एलिमेंटल के हिसाब से, तो देखिए एफ टी वन, नाउ व्हाट डू मीन बाय एफ टी वन, एफ टी वन कितना होगा देखिए यहाँ पे होगा एफ टी वन, एफ टी वन मतलब क्या होगा सिंगल एक ही फोर्स, मतलब ये एफ टी वन ऑफ वन, क्या होगा वो एफ टी वन ऑफ वन, बट जहाँ कहाँ पे रहा है ये साइड टूवर्ड्स राइट, तो होगा माइनस, तो माइनस एफ टी वन ऑफ वन कितना हो गया वो -151.2 किलो न्यूटन। ओके ये रहा आंसर। एफ टी टू कितना होगा, एफ टी टू में क्या हो रहा है यहाँ पे दो नोड, नोड बीच का पॉइंट है ना, तो एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव, तो ये होगा एफ टी एफ टी ऑफ वन, ये होगा एफ टी ऑफ टू, तो देखिए एफ टी ऑफ वन माइनस एफ टी ऑफ टू, ये साइड पॉजिटिव ये साइड निगेटिव और ये साइड पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 151 - 60, तो आ गया मेरा नेट 91.2। सिमिलरली एफ थ्री के लिए एफ टी टू ऑफ टू एफ
एफ टी ऑफ थ्री, ओके अगेन यहाँ पे एफ टी जो होगा टू ऑफ पॉजिटिव होगा, थ्री होगा निगेटिव होगा, आई वैल्यू 27.6। सिमिलर एफ टी फोर क्या होगा, अकेला आएगा एफ टी ऑफ थ्री, तो ये आ गया 32.46। नाउ सॉल्व करना है जीएमई आपको विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, ओके। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है यहाँ पे देखिए, क्या ये फिक्स एंड है, तो यू वन क्या होगा जीरो, फोर्स होगा यस होगा, ये क्या है ये भी फिक्स एंड है, तो यू फोर भी क्या होगा, यू फोर जीरो होगा, एफ फोर होगा यस। इंटरमीडिएट पोजिशन पे क्या होगा, देर विल बी डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा देर विल बी डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा क्वेश्चन मार्क, बट फोर्स के लिए क्या होगा, फोर्स अगर दिया हुआ है तो होगा अदरवाइज नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है तो होगा, डायरेक्शन क्या है टूवर्ड्स टूवर्ड्स लेफ्ट तो होगा पॉजिटिव, थ्री पे क्या है इंटरमीडिएट पॉइंट, थ्री पे क्या है डिस्प्लेसमेंट होगा यस होगा, फोर्स होगा क्या अगर दिया हुआ है तो होगा विद द साइन के साथ, यहाँ पे क्या है टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो ये होगा निगेटिव एफ पी टू, ओके। तो देखिए यू वन जीरो, यू टू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यू थ्री क्वेश्चन मार्क, यू फोर जीरो, एफ वन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एफ टू इक्वल टू पी वन, दैट इज 42 जो दिया है वहाँ पे, कितना है ये द वैल्यू ऑफ पी टू 49 × 10³ न्यूटन, देन है मेरा एफ थ्री इक्वल टू होगा पी टू −20 × 10³ बिकॉज ये जा रहा है टूवर्ड्स राइट, एफ फोर होगा मेरा क्वेश्चन मार्क, ओके। चलिए ये हो गया यहाँ पे इतना स्टेप नंबर 7 तक। नाउ स्टेप नंबर सॉल्व करना है मुझे यहाँ पे पुट करूँगा मैं ग्लोबल सीक्वेंस मैट्रिक्स में, ओके ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम कट, ओके सॉल्व करूँगा इसको मैं, ओके यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ, ओके देखिए तो ये हो जाएगा 10^6 बाहर, तो ये कट हो गया, कितना बचा है आलनी, इतना ही बचा है, कितना बचा है इतना ही बचा है यहाँ पे, ओके तो 2.72 × U2 −0.625 × U3 बाकी तो है ही नहीं, इक्वल टू क्या आएगा ये वैल्यू आएगा F2 का वैल्यू प्लस FT2 का वैल्यू, F2 कितना है यहाँ पे लिखो, FT2 है मेरा, F2 है मेरा 49 × 10³ प्लस FT2 कितना है, FT2 है मेरा 91.2, कितना है मेरा FT2 91.2, तो यहाँ पे लिख दिया एडिशन करके। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा −0.625 × U2 प्लस 1 × U3 इज इक्वल टू क्या होगा F3 प्लस FT3, F3 कितना है −20 × 10³ प्लस FT3 कितना है थर्मल फोर्स कितना है वो 27.6, कितना है 27.6 पॉजिटिव साइन के साथ, तो लिख दिया दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, मुझे फाइंड क्या होगा U2 और U3, जैसे U2 और U3 मिलेगा पुट करो इन द अगेन इन दिस इक्वेशन और फाइंड करो F1 और F4 के लिए, तो जब सॉल्व करोगे क्या होगा F1 फाइंड करना है मतलब रो 1 को सॉल्व करना है, तो देखिए कैसा आएगा 10^6 बार यहाँ पे कितना है 2.1 × U1 −2.1 × U2 इज इक्वल टू एफ टी एफ वन इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टी वन, देखिए एफ वन प्लस एफ टी वन, एफ टी वन पता है क्या अननोन है एफ वन, तो आगे मुझे आंसर एफ वन का कितना आया 21 × 10³। सिमिलरली किसके लिए एफ फोर के लिए रोज फोर सॉल्व करना पड़ेगा, तो जीरो गया जीरो गया, ये बचा −0.375 × U3 प्लस 0.375 × U4 इज इक्वल टू एफ फोर प्लस एफ टी फोर, एफ टी फोर तो पता है एफ फोर पता नहीं है, ओके एफ टी फोर कितना है 32.46, तो लिखा यहाँ पे 32.46, एफ फोर पता नहीं है तो ये आ गया एफ फोर, कितना है आंसर मेरा −49.65 × 10³ न्यूटन। तो ये रहा मेरा ओवरऑल लेक्चर ऑन द टाइप थ्री विद द बोथ एंड फिक्स विद द थर्मल एक्सपांशन, ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।